नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू पंडित और स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना घर अपनी प्रॉपर्टी में। दोस्तों, पहले की तरह ही और पहले से अच्छा हम आपके लिए पायोनियर डेवलपर की तरफ से लेके आ चुके हैं घोषपारा लोकेशन में बहुत ही प्यारा सा फ्लैट आपके लिए। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सारा फ्लैट जो भी आप ये तीनों में से चाहेंगे यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। एक बार हम फ्लैट का व्यू दिखाना चाहेंगे, एक बार देख लीजिए, फिर हम अंदर जाके सारा डिस्क्रिप्शन एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये G+4 बिल्डिंग है। G+4 बिल्डिंग में हम अब पहले एंट्रेंस इंटर करते हैं। तो एंट्रेंस गेट हमारा ये रहा और एंट्रेंस गेट में आप देखोगे ये अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जब काम पूरा होगा तो आपको यहाँ पर चेटा टाइल्स यानी कि आपको पूरा टाइल्स का फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम अभी इंटर कर रहे हैं अपना मेन जो G+4 बिल्डिंग है उसके अंदर। और जब आप इंटर करोगे तो इंटर करते ही यहाँ पर ये पूरा हमारा एंट्रेंस गेट रहेगा। और एंट्रेंस गेट इंटर करते ही आपको ये जो एरिया दिख रहा है अभी, तो ये जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है, आप एक बार अंदर आओ, आप ये देखो ये एरिया दिख रहा है और इधर का एरिया दिख रहा है, ये पूरा एल शेप एरिया है, ठीक है। ये आपका पूरा 2-व्हीलर पार्किंग होगा, 2-व्हीलर पार्किंग आपका ये पूरा एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ग्राउंड में। और यहीं पर आपको सामने में मीटर बोर्ड अलग से रहेगा, सामने में यहाँ पर मीटर बोर्ड है, ठीक है। ये हमारा मीटर बोर्ड एरिया रहेगा इधर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, ये हमारा लिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये हो गया ग्राउंड का जो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का जो भी यहाँ पर होगा क्या क्या फैसिलिटी है वो मैंने बताया। अभी हम मेन फ्लैट के अंदर चलते हैं और वहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन हम आपको एक एक करके बताते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम आपको 850 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट हम आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो आज दिखाने वाला आपको 2 BHK फ्लैट बहुत ही शानदार फ्लैट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, यहाँ का काम देखिए कितना बारीकी से किया गया। आप यहाँ पर देखो, ये आपको हैंडलर दिया गया, पकड़ के अगर कोई बुजुर्ग है तो पकड़ के चल सकते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पर देखो इसके सीढ़ी पे ये डिजाइन आपको दिख रहा है, छोटा सा एक कर्वी डिजाइन और स्टेप का डिजाइन दिख रहा है, तो प्यारा सा देखने में एक प्यारा अच्छा व्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो सीढ़ी पर भी आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी का आपको मार्बल्स का फिनिशिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि पायनियर डेवलपर्स की तरफ से बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल्स यहाँ पर यूज किया गया है हमारे इस अपार्टमेंट में, फ्लैट में, ठीक है। और दोस्तों, हर जगह पे हर फ्लोर पे जब सीढ़ी आप चढ़ते हो तो यहाँ पर आपको प्यारा सा एक विंडो देखने को मिलता है, जिससे कि शाम के समय भी लाइट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी खास, आपको लाइट जो नेचुरल जो लाइट होती है वो हमेशा आती रहेगी। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारा 2 BHK फ्लैट के अंदर। और 2 BHK फ्लैट के जो डोर है, आपको यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर आपका जो लॉकिंग डोर होगा उसके साथ साथ आपको उसके ऊपर से ही आपको ग्रिल का सेफ्टी डोर दिया जाएगा, यानी कि पहले ग्रिल का सेफ्टी डोर ओपन होगा, फिर हम मेन डोर को ओपन करके हम फ्लैट के अंदर जाएंगे। सो ओवरऑल दोस्तों, हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो फाइनल दोस्तों, हम फ्लैट के अंदर एंटर कर चुके हैं और फ्लैट के अंदर एंटर करते ही हम आ चुके हैं हमारा हॉल प्लस डाइनिंग एरिया में। हॉल प्लस डाइनिंग एरिया में आप देखो ये पूरा जॉनसन्स का टाइल्स का फिनिशिंग आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ, 850 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया के साथ आपको ये 2 BHK फ्लैट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको साउथ और वेस्ट का फेसिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो दोस्तों, हम एक एक करके हम इस फ्लैट का डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले चीज़, आप इस इंटर किए हो तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ऊपर में जो आपका जो फैन एरिया है जहाँ पर फैन लगा होगा, वहाँ फैन का डिज़ाइन देखो, बहुत ही प्यारा सा आपको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फैन का डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्लावर शेप का देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप देखो, ये भी फैन का आपको डिजाइन यहाँ पर फ्लावर शेप का POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का डिजाइन मिल रहा है। और साथ ही साथ आप देखो, हर तरफ कॉर्नर में से लेके देखो बाउंड्रीज, जो आपको वॉल का बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको
प्लास्टर ऑफ पेरिस का वह खूबसूरत सा डिजाइन देखने को मिला। जब आप इसे पेंट कराओगे तो इसे आप अलग अलग कलर का पेंट करके प्यारा सा आप इसको फिनिशिंग एक लुक दे सकते हो हाँ, आपने घर का अपने इस एरिया का, ठीक है। सो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा डिजाइन जो था वो पार्ट वो मैं आपको बताया। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बताऊँ वायरिंग की, अगर जैसे यहाँ पर जो आपकी वायरिंग होगी वो फिनोलेक्स कंपनी की रहने वाली है, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको ये घर की वायरिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप अपना फ्रिज रख सकते हो, फ्रिज पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं दोस्तों चलता हूँ हमारा मेन किचन एरिया की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप देखो मेन किचन एरिया सर्कल हाफ सर्कल के अराउंड शेप में आपको ये किचन एरिया हमारा आपको देखने को मिल रहा है। और किचन एरिया में आप जब आते हो तो ये जो आप देख रहे हो ग्रेनाइट का फिनिशिंग है, एल डिजाइन का आपको ये फिनिशिंग देखने को यहाँ पर ये मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको सामने में प्यारा सा डिजाइन के साथ आपको प्यारा सा कलर के साथ आपको ये विंडोज देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा टाइल्स का फिनिशिंग आपको यहाँ पर भी प्यारा सा डिजाइन के साथ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये हमारा किचन एरिया हो गया। नीचे में आप देखो नीचे में काफ़ी सारे बड़े बड़े स्पेस दिए गए जहाँ पर आप अपने ज़रूरी के सामान आप रख सकते हो। जब फिनिशिंग होगा तो मेरे यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर डोर वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों ये हमारा किचन हो गया। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर कॉमन बाथरूम। यहाँ पर जब आप कॉमन बाथरूम की तरफ आओगे, ये हमारा कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम में देखो यहाँ भी आपको प्यारा सा टाइल्स का डिज़ाइन के साथ आपको पूरा अच्छा लुक दिया गया है बाथरूम में भी, ठीक है। ये आप देख लो एक बार हमारा बाथरूम, ये हमारा यहाँ पे वेंटिलेशन का एरिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो बंकर दिया गया है बाथरूम में ही, ऊपर में बंकर दिया गया जहाँ पर आप अपना ज़रूरी का सामान वगैरह रख सकते हो। दोस्तों ये हमारा किचन और कॉमन बाथरूम हो गया। अभी मैं चलता हूँ हमारा मास्टर बेडरूम एरिया की तरफ। मास्टर बेडरूम एरिया जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पर बहुत ही आपको लाइट दिखेगा, चारों तरफ से खुला हुआ हमारा मास्टर बेडरूम एरिया प्यारा सा डिजाइन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आपको हर तरफ आप देखो यहाँ पर देखो डिजाइन चेंज हो गया। आपको हॉल में डिजाइन अलग तरीके से देखने को मिल रहा था, जब गौर करोगे तो यहाँ पर डिजाइन कुछ अलग तरीके से देखने को मिल रहा है वॉल के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यहाँ पर अलग सा लुक दिया गया है डिजाइन में भी। यहाँ भी अपना कलर फिनिशिंग देके अलग लुक यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको इस मास्टर बेडरूम एरिया में एसी पॉइंट वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो आपको जगह देखने को मिल रही है यहाँ पर आप इसको वार्डरोब बना सकते हो, यहाँ पर अलमारी टाइप का बनाकर बना सकते हो इसको, अलमारी का फिनिशिंग यहाँ पर आप दे सकते हो। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो दोस्तों ये हमारा हो गया पर्सनल बाथरूम। यहाँ भी आपको अच्छा सा टाइल्स का फिनिशिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये हमारा पर्सनल बाथरूम हो गया, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ दोस्तों ये बालकनी एरिया की तरफ। ये हमारा जो बालकनी एरिया, इधर आओ आप, बालकनी एरिया देखो आप, देखो इसमें काफी वाइड स्पेस के साथ आपको ये वॉल दिया गया बालकनी एरिया की तरफ। ये बालकनी एरिया होने वाली है। यहाँ पर आप देखो टाइल्स का फिनिशिंग आपको बहुत ही बेहतरीन टाइल्स का फिनिशिंग आप इसे जब फील करोगे ना, जब सामने आके, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टाइल्स का फिनिशिंग यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पर भी पूरा ये जो टाइल्स आपको दिख रहा है ये पूरा बहुत ही प्यारा सा लुक यहाँ पर हमारे जो बालकनी एरिया है उसका दिया गया है। दोस्तों ये हमारा वॉशिंग एरिया का पॉइंट यहाँ पर दिया गया। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो लोकेशन है, यहाँ पर आप देखो ये आपको फ्रंट में ये रोड आपको दिख रहा है आप यहाँ से अप्रोक्स 8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेन बीटी रोड देखने को मिलेगा। मेन बीटी रोड यानी कि आपको वहाँ से हर तरीके का ट्रैवल, हर तरीके का सुविधा मिल जाएगा। बीटी रोड से आप पकड़ के मेट्रो वगैरह जा सकते हो, बीटी रोड से ही आप हर तरीके का वहाँ पर आपको ट्रैवल का फैसिलिटी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। 8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारा कुछ वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो ओवरऑल दोस्तों मैंने बालकनी दिखाया, अभी आप देखो यहाँ पर एक विंडो बालकनी की तरफ आपको एक विंडो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इस तरफ भी आपको एक विंडो काफ़ी वाइड एरिया में आपको ये विंडो देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा सा बड़ा सा विंडो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हमारा मास्टर एरिया हो गया, मास्टर बेडरूम एरिया हो गया। अभी हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम एरिया में। दोस्तों ये हमारा सेकेंड बेडरूम एरिया है। सेकेंड बेडरूम एरिया में भी आप देखो एक बार यहाँ भी डिजाइन बदल रहा है। जो वहाँ पर हॉल में था वहाँ भी अलग डिजाइन है। घर का जो जो कॉर्नर में जो डिजाइन होता है वॉल के कॉर्नर में, आपको अलग तरीके का डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अलग तरीके का।
और यहाँ पर आपको फैन का जो लुक है वो भी चेंज दिया गया, फैन का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का डिजाइन दिया गया वो भी अलग है, बट बहुत ही प्यारा है ओवरऑल। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम एरिया हुआ, और आपको फ्रंट रोड की तरफ ही आपको यहाँ पर बड़ा सा प्यारा सा हमारा एक विंडोज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों ये हो गया हमारा 850 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया का 2 BHK फ्लैट। तो दोस्तों मैंने ओवरऑल जो फ्लैट का डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपको बताया, अभी चलिए छत पे, और छत पे मैं वहाँ का व्यू दिखाता हूँ और वहाँ का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ छत पे, और छत पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ छत का व्यू और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है। तो दोस्तों एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है जॉनसन्स का हीट प्रूफ टाली आपको यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको गर्मियों में ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो, ये हीट ऑब्जर्व कर लेता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये देख रहे हो ये एरिया, ये हमारा पूरा एक कम्युनिटी हॉल एरिया होने वाला है, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग ये पूरा एक कम्युनिटी हॉल एरिया बनने वाला है, और जो कि यहाँ पर आपको वॉशरूम भी दिया गया है, इस तरफ आपको वॉशरूम भी कम्युनिटी हॉल एरिया में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आप इस पूरे छत का ऑल अराउंड व्यू देख लो। तो दोस्तों अभी मैं फाइनली बात करता हूँ प्राइसिंग क्या होने वाली है। दोस्तों 850 स्क्वायर फीट 2 BHK एरिया के साथ आपको सारी चीज़ें एक ही प्राइस में इंक्लूड है, अलग से कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। GST चार्ज, आपका लिफ्ट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कोई चार्ज आपको अलग से पे नहीं करना, सारा चार्ज एक ही में इंक्लूडेड है। और 2 BHK 850 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया का अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ, मात्र 28,27,500 रुपये ओनली, 28,27,500 रुपये में आपको ये प्यारा सा 2 BHK 850 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया के साथ इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो जल्द से जल्द आइए दोस्तों, हमारा पायनियर डेवलपर के तरफ से जो इतनी बेहतरीन शानदार फ्लैट है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए और बुक करिए अपने सपनों का घर, अपने सपनों का फ्लैट। तो दोस्तों ओवरऑल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन को अप करता है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस इसी तरीके के अच्छे अच्छे फ्लैट्स का वीडियोस लेके आते रहे। और जल्द से जल्द बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले पहुँचे।